विस्फोटक न्यूज के प्रायोजक हैं रेड प्रो रियल स्टेट डेवलपर्स। केजरीवाल की गिरफ्तारी पर फैसला सुरक्षित, 29 जुलाई को रेगुलर बेल पर होगी सुनवाई। प्राइवेट नौकरियों में सी डी ग्रुप में भर्ती पर मिलेगा 100% आरक्षण, कर्नाटक सरकार ने विधेयक को दी मंजूरी। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी का बयान, कहा बंद करें सबका साथ सबका विकास, जो हमारे साथ हम उनके साथ, बीजेपी को बंद करना चाहिए अल्पसंख्यक मोर्चा। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले शरद पवार ने अजित पवार को दिया बड़ा झटका, चार नेताओं को अपनी पार्टी में किया शामिल, चारों नेताओं ने कल ही दिया था एनसीपी से इस्तीफा। यूपी बीजेपी में हो सकता है बड़ा बदलाव, विधानसभा उपचुनाव से पहले डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात पर सियासत तेज। यूपी में उपचुनाव को लेकर हुई बीजेपी की बड़ी बैठक, 10 सीटों पर होने हैं उपचुनाव, उपचुनाव के बाद योगी मंत्रिमंडल में फेरबदल संभव। केंद्र सरकार ने बनाई नीति आयोग की नई टीम, शाह राजनाथ सहित 15 केंद्रीय मंत्री सदस्य, बिहार से 3 शीर्ष नेताओं को टीम में मिली जगह। बीजेपी दाग धोने वाली वॉशिंग मशीन बन गई है, संघ से जुड़ी मराठी पत्रिका विवेक में भाजपा की नीतियों पर हमला, कहा इम्पोर्टर पार्टी बन चुकी है बीजेपी। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का बड़ा बयान, कहा पीएम की गलत नीतियों का करते रहेंगे विरोध, राजनीति के लोग धर्म में हस्तक्षेप बंद करें। अंदरूनी झगड़ों के दलदल में धंसती जा रही है बीजेपी, यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात को लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव का बड़ा दावा। लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने बिहार की एनडीए सरकार पर बोला हमला, कहा नीतीश कुमार व भाजपा की मिलीभगत वाली फेल डबल इंजन की सरकार की सरपरस्ती में बेपटरी हुआ बिहार। बेरोजगारी से युवा परेशान, 600 नौकरियों के लिए 25,000 की भीड़, मुंबई एयरपोर्ट पर एयर इंडिया के लिए काबू करना हुआ मुश्किल। बिहार में गिरा एक और पुल, अररिया में गिरा पुल, 2017 में हुआ था पुल का निर्माण। यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्टस के ताजा आंकड़ों के मुताबिक आबादी में पहले नंबर पर भारत, पांचवें पर पाकिस्तान, रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया की पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है भारत। केकेआर छोड़ते हुए गौतम गंभीर ने वीडियो किया शेयर, वीडियो में कहा एक दूसरे से करते हैं वादा, कभी नहीं चलेंगे अकेले। कास्टिंग काउच का सामना कर चुके हैं एनिमल एक्टर सिद्धांत, बोले कोऑर्डिनेटर ने धमकाते हुए कहा था कॉम्प्रोमाइज नहीं करोगे तो नहीं मिलेगा काम। ब्रेस्ट कैंसर से जूझ रही हिना खान की हुई सर्जरी, इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर लिखा लगातार दर्द में हूँ, बस एक और दिन दूर।